वन एनबीएफसी स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं, बजाज फाइनेंस के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यस, वी आर ट्राइंग टू चूज दोज कंपनीज की जहां पे परफॉर्मेंस जो है इन लास्ट 1 to 3 इयर्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट, या फिर जो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है या फिर जो फिनोमिनल रिटर्न्स लास्ट 3 इयर्स में स्टॉक मार्केट से लोगों को मिले हैं, वहां पे कहीं ना कहीं इन कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है फ्रॉम द रिटर्न्स पर्सपेक्टिव। बट ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, बट स्टिल काइंड ऑफ डी रेटिंग इन स्टॉक्स में हमने देखी है एंड परफेक्ट कैंडिडेट्स नजर आते हैं ये फॉर अ री रेटिंग। तो उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों नया साल शुरू हो चुका है, हैप्पी न्यू ईयर, ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल एंड कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे तीनों ई लर्निंग कोर्सेस आपको फ्री मिल जाएंगे, तो उसका भी लाभ उठाइएगा दोस्तों इस ऑफर का। अब आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, आशा करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा। तो ये है बजाज फाइनेंस का लॉन्ग टर्म प्राइस टू बुक रेशियो का मूवमेंट। सो यहां पे करंट प्राइस टू बुक का जो रेशियो है दैट इज बिटवीन 6.5 to 7 के बीच में करंटली प्राइस टू बुक रेशियो है। बट ट्रेडिशनल यानी कि मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो अगर हम देखते हैं, 5 साल का मीडियन अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर इज अराउंड 8.41 टाइम्स। तो उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट नजर आ रहा है। देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट, तो वो रीजंस भी समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो पहले समझते हैं कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि 10,000 करोड़ रुपए का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP जो है कंपनी ने लाया था। So before QIP, the price to book ratio was 7.55 times. Obviously, मतलब compared to the long-term average, that is 5-year median PB, अगर हम देखते हैं PB ratio, so that number was 8.41. तो उसके comparison में before QIP also discount was available, but after a mega fund raise of 10,000 crore, the current price to book ratio या फिर post QIP ratio was 6.61. Currently the price to book ratio is at 6.68 times. अगर 1 year, 3 year और 5 year के median PB ratio के हिसाब से हम देखते हैं, तो 5 साल का देखेंगे थोड़ा सा, because ये जो QIP किया है, ये जो equity capital कंपनी को मिला है, obviously they are going to utilize it for better growth numbers. So I will not be surprised कि आने वाले समय में फिर से एक बार ये डी रेटिंग टू री रेटिंग या फिर जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसको अटेन करने की कोशिश स्टॉक की तरफ से हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई 6.68 to 8.4 की ये जो जर्नी हो सकती है दैट कुड हैव अ 30% पोटेंशियल। आई एम नॉट सजेस्टिंग इट विल हैपन इमीडिएटली, बट obviously looking at the long term track record of the company, जब भी QIP आता है इस कंपनी का, उसके बाद एक डी रेटिंग टू री रेटिंग ये स्टॉक ने हमेशा प्ले आउट की हुई है। लास्ट 10 साल का जो स्टॉक का प्राइस का CAGR रहा है वो भी काफी फेनोमिनल है, 49% का। बट उसके पीछे के रीजंस आई थिंक ओवरऑल नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर हम देखते हैं लास्ट 10 सालों की, तो वो भी 35% की रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ 31% की रही है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM ग्रोथ इज आल्सो एट अराउंड 30%। कस्टमर फ्रेंचाइज भी 26% से यहाँ पे ग्रो हुई है। सो ऑब्वियसली विद दी कस्टमर फ्रेंचाइज ग्रोइंग एट 26% बट नेट प्रॉफिट ग्रोइंग एट 35%, इट शोज दैट कि अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज भी यहाँ पे प्ले आउट हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर टू NII इसमें एक ग्रेट इंप्रूवमेंट भी देखी गई है, फ्रॉम 44.6% टू 34%, यानी कि विथ लेसर एक्सपेंडिचर दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट 10 इयर्स। तो यहाँ पे ये QIP का जो ओवरऑल एक मतलब परफॉर्मेंस में कन्वर्जन जो है वो आने वाले समय में हो सकता है, जो एडिशनल इक्विटी कैपिटल इन्होंने रेज किया हुआ है। सो करंट नेटवर्थ ऑफ बजाज फाइनेंस जो है जो थी बिफोर QIP दैट वाज 59,874 करोड़ रुपीस। फिर QIP के फंड्स ऐड हुए तो टोटल पोस्ट इशू नेटवर्थ वाज 69,874 crore rupees. Current number of shares are around 60.60 shares है. So additional shares of 1.21 crore add हुए हैं यहाँ पे. So total number of shares are 61.81 crore. Pre-issue price to book जो थी वो 988 थी. Post-issue book value is around 1130. So upside of 14.4% यहाँ पे हुई है. तो उसी हिसाब से अगर 7, 8, 9 का प्राइस टू बुक रेशियो के अलग अलग मल्टीपल्स भी हम लगाते हैं, सो देन अकॉर्डिंग टू 7 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक द वैल्यू कुड बी अराउंड 7,913 रुपीज पर शेयर. 8 टाइम्स के हिसाब से 9,043 रुपीज पर शेयर एंड 9 टाइम्स से it will be around 10,174 rupees per share. So current share price is around 7,400 to 7,500. So there is a good amount of upside potential available hai. I am not at all suggesting this will happen over the period of next 3 months, 6 months, 9 months, 10 months. I think, but the potential is there. So ये जब काम में आना शुरू हो जाएगा, ये QIP का पैसा बिजनेस ग्रोथ के लिए जब आना शुरू हो जाएगा, so I will not be surprised. The numbers will increase. The profitability numbers will also increase. Return on the return on equity का जो potential है company का वो काफी phenomenal है and market over the period I think the stock will follow that particular thought process. So बाकी कैसा लगा ये video ये comment section में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों and happy new year. ये promo code भी use कीजिएगा. investyadnya.in पे विजिट करके हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% प्लस तीनों ई लर्निंग कोर्सेज आपको मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलने वाले हैं. तो आशा करूंगा आप जरूर उसका लाभ उठाओगे. कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70% ऑल्सो. आशा करूंगा आप जरूर investyadnya.in को विजिट करोगे. तो ऐसे वीडियोज के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.